रात से यहाँ लेटे हुए। तो मैं क्या? गुस्से में क्यों हो? तो मैं क्या? रोशनी से लड़ाई हुई है। तो मैं क्या? हाँ, मुझे क्या? सुनो, अम्मी से क्या कहा था तुमने? तुम्हें क्या? अच्छा सॉरी। किस बात का? वो नहीं बताऊंगा मैं। सुनो, तुम्हें आज चाची जान की तरफ ले जाओ, छुट्टी है ना? नहीं, उसने नहीं कह रहा, कसम से मैं तुम्हें उतार के बाहर से चला जाऊंगा। बताओ। इकट्ठे ही जाएंगे, मैं दाई अम्मी से पूछ के आती हूँ। कोई शिकायत है आपको? क्या सोचा फिर तुम दोनों ने, कोई अमली कदम उठाना भी है या नहीं? किस बारे में? अल्लाह भी हीला करने वाले को वसीला देता है। मिलता तो जो भी है वो अल्लाह के दर से मिलता है, लेकिन बंदे को भी तो कोई हाथ पांव मारने चाहिए ना। वक्त गुजरता जा रहा है और ये काम उतना ही मुश्किल होता जाएगा, और वैसे भी एक उम्र होती है बच्चा पैदा करने की और पालने की। क्या तुम दोनों को 40 के बाद ही होश आएगा? मुझे पता था कि अम्मी ने यही सब कुछ कहना और सामने बिठा कर ये बोलना। नाजिया, बैठ जाइए इधर, और जब तक मेरी बात खत्म नहीं होगी तुम यहां से उठोगी नहीं। गौर से सुनो, मैं कल बड़ी आपा के यहां गई थी, मुझसे तो उनकी हालत देखी नहीं जा रही। बीमारी और बुढ़ापा तो सब पर आते हैं, लेकिन तन्हाई का दुख तो अल्लाह किसी को ना दे। मुझे याद है उनकी सास हमेशा ये दम दुरूद वाला पानी और पीरों फकीरों के चक्रों में लगी रही। अगर वक्त पर आपा का इलाज हो जाता ना तो अल्लाह जरूर उनकी गोद भर देता, लेकिन नहीं। अरे भाई, अब तो साइंस ने इतनी तरक्की कर ली है, एक से बढ़कर एक डॉक्टर है, तुम लोग अपना इलाज क्यों नहीं करवाते? आपको क्या लगता है कि हमने डॉक्टर्स को नहीं दिखाया होगा? अम्मी, नाजिया ने यानी दो तीन जगह से सब टेस्ट करवाए हैं, रिपोर्ट्स नॉर्मल हैं इसकी, इसको कोई मसला नहीं है। और तुम? तुमने अपने टेस्ट करवाए?